दोस्तों इस वक्त मैं अंबेडकर पार्क में मौजूद हैं। इस बरसात की पहली बारिश का आगाज हुआ है और आप ये देख सकते हो अमरोहा शहर में फिर दोबारा से जो है तालाब जैसी स्थिति हो चुकी है। हालांकि ऐसा कहा जा रहा था कि हमने जल भराव को लेकर बहुत सारा काम शहर में किया है। कितना काम शहर का जल भराव को लेकर हुआ है आप ये देख सकते हो। सालों से अमरोहा शहर का एक ही मुद्दा रहा है, वो मुद्दा रहा है जल निकासी को लेकर। बड़े बड़े दावे चुनाव में किए जाते हैं और इसी मुद्दे को लेकर अमरोहा शहर में सियासत होती आ रही है। अब से नहीं, पिछले 20 सालों से अमरोहा का एक ही मुद्दा रहा है जिस पर लोग सियासत करते हैं, सियासी बातें करते हैं, बड़े बड़े जो है दावे करते हैं और उनके दावे एक बारिश में धरे के धरे रह जाते हैं। आप ये देख सकते हो अभी लगभग 2 से 3 घंटे अमरोहा में बारिश रुके हुए हो गए हैं, लेकिन ये पानी इसी तरह से मौजूद है। तो दोस्तों बाढ़ जैसी स्थिति, मैंने जैसे आपको बताया कि 2 घंटे से 3 घंटे अमरोहा शहर की बारिश रुके हुए हो गई है, लेकिन पानी जस्ता दस्त का है। ये पोजीशन एक ही इलाके की है, आप जो है मुख्तलिफ इलाकों में जाओगे तो वैसे ही पानी भरा हुआ मिलेगा। तो आप ये देख सकते हो नगर पालिका का दावा जो है कितना मजबूत, आप ये देख सकते हो नगर पालिका को दूसरा कार्यकाल उनका चल रहा है। श्रीमती शशि जैन का उन्होंने कहा था कि हमने बहुत सारी सुविधाएं जल भरावी को लेकर की है, लेकिन आप ये देख सकते हो उनका दावा कितना खोखला नज़र आ रहा है, दिखता नज़र आ रहा है, आप ये देख सकते हो। तो दोस्तों आप लोगों की इस पर हमारी क्या प्रतिक्रिया रहेगी और कौन कौन से इलाके में अमरोहा का जल भराव अभी भी वैसा का वैसा ही है। कुछ समय पहले नालों की सफाई हुई थी, कहा गया था कि अब इस बरसात में अमरोहा में पानी नहीं भरेगा, लेकिन वो दावा बिल्कुल खोखला दिखता नजर आ रहा है। दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया अमरोहा में पहली बारिश पड़ी है और जल भराव की स्थिति वो साइड में मैंने आपको दिखाई। मैं इस वक्त आया था जामा मस्जिद इलाके में जहाँ पर थोड़ा सा पानी भरा हुआ है। यहाँ के निवासियों से हमने थोड़ी सी बात की, उन्होंने कहा कि स्थिति में थोड़ा सा सुधार है, थोड़ा सा हम यहाँ पे जो पानी भर रहा है उसकी साइड में जो दुकानें हैं उन लोगों से भी हम बात कर लेंगे कि क्या पहले से स्थिति बेहतर हुई है, कुछ सुधार आया है या जैसे के तैसे ही है। क्योंकि अमरोहा में नगर पालिका का जो है दूसरा कार्यकाल चल रहा है, 5 साल हालांकि उन्होंने काम किया है। सर क्या नाम है आपका? मोहम्मद जमशेद। जी आप तो कितना संतुष्ट हैं कि यहाँ पर जल भराव की स्थिति को लेकर कुछ बदलाव लगा है, कुछ सुधार? नहीं, सुधार हुआ है। अभी आप देख रहे हैं इसमें आई थिंक बहुत ज़्यादा 3-4 इंच पानी मान लिए, नहीं तो जितनी देर बारिश पड़ी है आई थिंक 1-1.5 घंटा बारिश पड़ी है, 1 घंटा तो मान ही लीजिए अभी पानी यहाँ चल रहा होता ऊपर। तो कुछ सुधार है? बहुत हद तक सुधार है। क्या हम इसको निगलेक्ट करें कि भाई नहीं कुछ सुधार नहीं हुआ, ये तो गलत बात है। बहुत फायदा है इस नाले बनने से, बहुत फायदा। तो दोस्तों आप देख सकते हो कि लोगों का ये रिएक्ट है कि हाँ कुछ काम जो है थोड़ा बहुत काम हुआ है, लेकिन उतना काम अभी भी नहीं हुआ है, अभी भी बहुत सारा पानी भर रहा है, लेकिन पहले से स्थिति थोड़ी सी सुधार में है। तो इस वक्त मैं मौजूद था अमरोहा की जामा मस्जिद के एरिए में, मेरे जस्ट जो है आगे जामा मस्जिद है। स्थिति पहले से बेहतर है, हालांकि ये पहली गर्मी की और अमरोहा में पहली बारिश थी। आगे ये देखना होगा कि क्या स्थिति जो है इस अमरोहा में वैसे ही है या कुछ बदलाव आया है। बारिश शुरू जो है हो गई है, आज जो है पहली बारिश थी। बरसात पूरी बरसात 4 महीने होती है, क्या यहाँ पर अमरोहा में तालाब की स्थिति अभी भी है या नहीं है, देखना यही है। अब देख रहे थे स्मार्ट अमरोहा, मेरा नाम इमरान मलिक। फिर मिलते हैं नई खबर के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।